स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। आज जानेंगे आयुर्वेद के अष्टांगों को, आयुर्वेद के अष्टांग के स्वरूप को आज मैं आप सभी के सामने रखूंगा। आज आप सभी को अष्टांगों के जो स्वरूप हैं उसको मैं बताऊंगा, और आयुर्वेद के परिचय के क्रम में ही आयुर्वेद के जो अष्टांग हैं वो भी हैं, और आयुर्वेद का जो परिचय है मैं संपूर्ण परिचय आयुर्वेद का आप सभी को दे चुका हूं। तो जो लोग अभी अभी हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग नए हैं चैनल पर, वो चाहे तो आयुर्वेद का जो संपूर्ण परिचय है आप चैनल के माध्यम से जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं, और आयुर्वेद के अष्टांगों को भी मैंने आप सभी को संक्षेप में परिचय कराया था। लेकिन सारी जो चीजें थी आयुर्वेद के अष्टांगों को अगर समझेंगे तो विस्तृत रूप में बहुत बड़ा आयुर्वेद के जो अष्टांग है, क्योंकि जो विश्व की जो भी चिकित्सा पद्धति है वे जो है आयुर्वेद के अष्टांगों पर ही आधारित है। विश्व की कोई भी चिकित्सा पद्धति ऐसी नहीं है जो आयुर्वेद के अष्टांग के बाहर जाके कार्य करे, या उससे जो भी पद्धति विकसित हुई है उसके बाहर काम करे। तो आयुर्वेद के अष्टांगों को जानना, सभी आयुर्वेद के जो भी विद्यार्थी हैं उनको जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो भी आयुर्वेद से जुड़े हुए जो भी विद्यार्थी हैं उनका सबसे जो महत्वपूर्ण जो विषय है जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है वो है आयुर्वेद परिचय। तो आयुर्वेद के परिचय के क्रम में ही अष्टांगों का स्वरूप आप सभी के लिए लेकर के आया हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आयुर्वेद के जो अष्टांग है अच्छी तरह से आपको समझा सकूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करता हूं अष्टांग, अगर अष्टांग की बात करेंगे, अष्टांग है क्या अष्टांग? तो अष्टांग का मतलब आठ अंग या आठ प्रकरण जिसको बोला जाता है, आठ प्रकरण या आठ अंग जिसको अष्टांग बोला जाता है। तो आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है उन्हीं आठ प्रकरणों पे आधारित है जिनके अनुसार आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति कार्य करती है। अलग अलग क्षेत्रों में ये बनी हुई है, अलग अलग क्षेत्र निर्धारित है आयुर्वेद के अष्टांगों में, और उन्हीं पे इसकी चिकित्सा पद्धति अलग अलग श्रेणीबद्ध तरीके से कार्य करती है। तो अष्टांग जिसको मैंने बता दिया आठ प्रकरण कहते हैं, इसमें आठ प्रकार की चिकित्सा के विषयों पे चर्चा की गई है, आठ प्रकार की जो चिकित्सा पद्धति है उसके बारे में बताया गया है, और मैंने ये भी बताया कि विश्व की कोई भी चिकित्सा पद्धति ऐसी नहीं है जो इस अष्टांग के बाहर जाके कार्य करे या वो बिना अष्टांग के पूरी हो जाए। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आयुर्वेद का जो मुख्य सिद्धांत है वो है सुख का प्रयोजन करना, मतलब कि हमारे जीवन में सुख की उत्पत्ति कैसे होगी, सुख की उत्पत्ति कैसे होगी और सुख कैसे आएगा उसी का प्रयोजन करने का कार्य है आयुर्वेद का। क्योंकि आयुर्वेद जो है वो चाहता है आपको आरोग्य बनाना। आरोग्य का मतलब रोग की उत्पत्ति शरीर में हो रही है तो उस रोग का संपूर्ण नाश करना, उसको संपूर्ण रूप से खत्म करना ही आयुर्वेद का प्रयोजन है, जिससे आप आरोग्य को प्राप्त कर लेंगे। और दूसरी चीज जो है रोग मुक्त, रोग युक्त अगर शरीर है तो रोग युक्त शरीर को अगर रोग मुक्त कर देंगे तो आयुर्वेद में उसे आरोग्य कहा गया है। आरोग्य मतलब आपके शरीर, आपका शरीर अगर आरोग्य मुक्त, आरोग्य पूर्ण है तो मतलब आप सुख की प्राप्ति करेंगे। तो सुख का प्रयोजन करना ही आयुर्वेद का सिद्धांत है, और इन्हीं सिद्धांतों की पुष्टि करते हैं ये अष्टांग। तो देखते हैं कौन कौन से अष्टांग हैं और इनका आयुर्वेद में उल्लेख किस तरह से किया गया है, सभी चीजों को श्रेणीबद्ध तरीके से मैं आप सभी को समझाऊंगा। आयुर्वेद के जो अष्टांग है उसमें जो पहला जो अंग है उसको काय चिकित्सा बोला जाएगा। तो काय चिकित्सा को समझते हैं कि काय चिकित्सा है क्या। जैसा कि आयुर्वेद के अनुसार या जो भी मेडिकल साइंस इस समय विकसित है, पूरी तरह से विकसित हो चुका है, उनके अनुसार भी हमारा जो शरीर है अलग अलग चीजों से मिलकर के बना हुआ है। आयुर्वेद पुष्टि करता है कि हमारा जो शरीर है पंच तत्वों से मिलकर के बना है। तो इन पंच तत्वों से बने शरीर में अलग अलग तरह के दोष की उत्पत्ति हो जाती है, धातु दोष हो जाता है, मलों की उत्पत्ति होने से शरीर दूषित होता है, उत्पन्न उन्हीं सभी दोषों का समूल नाश करके हमारी जो काया है, हमारा जो शरीर है उसको हष्ट पुष्ट बनाना, रोग मुक्त बनाना ही काय चिकित्सा का मुख्य कार्य है। तो रक्त पित्त दोष हो जा रहा है, ज्वर हो जा रहा है, अतिसार हो जा रहा है, तो काय चिकित्सा में इन्हीं के उपचार को निर्दिष्ट किया गया है, इन्हीं के उपचार को बताया गया है। और जो भी बालक हैं, वृद्ध हैं, युवा हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, उनके शरीर में अगर कोई भी दोष उत्पत्ति होती है और वो बीमार होते हैं
तो अष्टांगों के जो भी अष्टांग है चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के जो भी अष्टांग है, उसमें से जो पहला अष्टांग का जो रूप है, जो पहली श्रेणी है, जिसको मैंने काय चिकित्सा बताया, उसी के अंतर्गत ये चिकित्सा की जाती है, जिसमें हमारे शरीर के दोषों का निवारण किया जाता है और शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न किया जाता है, उन दोषों को नष्ट किया जाता है इस चिकित्सा में। उसी के क्रम में अगर दूसरे चिकित्सा पद्धति का दूसरे चिकित्सा पद्धति की बात करेंगे तो वह चिकित्सा पद्धति है बाल चिकित्सा। बाल चिकित्सा पहली चिकित्सा जो थी काय चिकित्सा, जिसमें दोषों का समूल नाश किया जाता था, उसी तरह से यह जो चिकित्सा है जिसको बाल चिकित्सा बोला जाएगा, तो बाल चिकित्सा का मतलब जिसमें जितने भी शिशु हैं जो पैदा हुए हैं क्षीर पान कर रहे हैं, क्षीर का मतलब है दूध, दुग्ध पान कर रहे हैं, माता के दूध को पी रहे हैं, और जन्म के बाद दूध पीने के जो जो पीने का जो काल है, जब तक बच्चे दूध पीते हैं, उस समय में दूध पान करके कम अवस्था के जो बच्चे हैं दूध पान कर रहे हैं, तो उनको उनको क्षीराद या अन्नाद कहा जाता है। और जो भी बालक माता के दूध या क्षीर का पान करते हैं, तो उस समय उनके शरीर में जो रोग उत्पत्ति होती है, जैसे दूध नहीं पी रहे हैं या दांत निकल रहा है, लूज मोशन हो गया, पेट खराब है बच्चे का, तो उस समय की जो चिकित्सा पद्धति है, उस समय जो चिकित्सा आयुर्वेद के अनुसार की जाती है, तो वो बालवय चिकित्सा कहा जाता है या बाल चिकित्सा कहा जाता है उसको। उसी के क्रम में अगर बच्चा बड़ा हो जाता है, 2-3 साल का हो जाता है, चलने लायक हो जाता है, कब वो चलता है, कब वो बोलता है, कब वो सुनता है, तो ये सारी जो बातें हैं उसके क्रम में अगर ये सारी चीजें सही से नहीं हो रही है, श्रेणीबद्ध नहीं हो रहा है, क्रमवार ये सारी चीजें नहीं चल रही है, समय अनुसार नहीं चल रहा है, तो उसमें भी औषधि के मात्रा का ध्यान रख के, उस चिकित्सा में औषधि की मात्रा का ज्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बालक बड़ा हो गया है तो उसे औषधि की मात्रा देनी पड़ेगी, तो औषधि की मात्रा का ध्यान रख करके भी उस समय शिशु की चिकित्सा की जाती है। तो ये सारी चिकित्सा जो है बाल चिकित्सा में आती है, जिसमें शिशु जब जन्म लेता है तो क्षीर पान करता है, उस समय जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं वो चिकित्सा, और जब बड़ा हो जाता है, चलने फिरने लगता है, घूमने लगता है और ये सारी चीजें करने लगता है जो शिशु में सामान्य तौर पे होनी चाहिए, अगर उसमें कुछ कमी आती है या उस लगता है कि शिशु बीमार है या सही क्रमवार तरीके से सारी चीजें नहीं कर रहा है, तो जो चिकित्सा की जा रही है आयुर्वेद के अनुसार उसे बाल चिकित्सा कहते हैं। और जो आधुनिक जो चिकित्सा है, आधुनिक चिकित्सा में भी जो शिशु रोग विशेषज्ञ जो होते हैं वो इसी के आधार पे चिकित्सा करते हैं। अब बात करते हैं अष्टांगों के जो तीसरा जो अंग है आयुर्वेद का, जिसे हम ग्रह चिकित्सा कहते हैं, जिसे कहते हैं हम ग्रह चिकित्सा। पहला था काय चिकित्सा, दूसरा बाल चिकित्सा और तीसरा है ग्रह चिकित्सा। तो ग्रह चिकित्सा जो है ये हमारे ग्रहों को दर्शाता है। आयुर्वेद में जो भी पद्धति बताई गई है बहुत ही पुरानी पद्धति है और ऐसा माना जाता है कि देवताओं की बनाई हुई पद्धति है, देवता ही इसके जनक हैं, इन्होंने ही इस पद्धति को विकसित किया। और जैसा कि सभी को पता होगा, जो सर्वयोगी हैं भगवान शंकर, उन्हें भी आयुर्वेद का जनक माना जाता है। लेकिन पृथ्वी पर जो आयुर्वेद है उसको लाने का जो मुख्य कार्य है, जो भगवान धन्वंतरी हैं उन्होंने आयुर्वेद को पृथ्वी पर लेकर के आए। और जैसा कि मैंने पहले जो वीडियो बनाई है उसमें आयुर्वेद का परिचय दिया है, उसमें बताया था कि जो राजा जो दीवोदास थे, जो काशी नरेश बोले जाते थे, वो धन्वंतरी के रूप माने जाते हैं, उन्होंने आयुर्वेद की पद्धति को पृथ्वी पर विकसित किया, सभी को इससे परिचित कराया। तो उसी के क्रम में ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो जो अष्टांग में ग्रह चिकित्सा बताई जाती है उसमें ऐसा उल्लेख है कि जो भी दुष्ट ग्रह होते हैं जिससे हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि मैं इसको बताने से पहले आपको एक उदाहरण दे देता हूं, क्योंकि सभी का शरीर एक जैसा ही है, सभी का शरीर एक ही तरह का कार्य करता है, सभी के शरीर में रक्त है, सभी के शरीर जो है काया अलग अलग
काया हो सकती है, लेकिन शरीर की बनावट, संरचना, शरीर की जो भी आंतरिक जो दशा है, संरचना है, वो सभी एक ही है। लेकिन अगर रोग देखे, रोग उत्पत्ति होती है तो कोई सामान्य रोग से ही मर जाता है, और किसी को ज्यादा जटिल रोग भी हो जाता है तो वो आसानी से कुछ चिकित्सा करा करके बच जाता है। तो अगर देखें तो यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि जिसको जटिल रोग हुआ था वो बच गया, जबकि जिसको सामान्य रोग हुआ था वो चिकित्सा कराने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, मर गया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो ग्रह चिकित्सा है ये दर्शाती है कि जिसने सामान्य रोग करके चिकित्सा कराई, सही नहीं हुआ, तो उसकी ग्रह दशा जो थी खराब थी, जिससे चिकित्सा कराने पर भी उसे लाभ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसे ग्रह दोष को सही कराना था, आयुर्वेद के अनुसार ग्रह दोष को सही कराना था और तब चिकित्सा करानी थी तो उसको सही लाभ मिलता। और जिसको जटिल रोग था और वह सही हो गया, तो इसका मतलब यह है कि उसकी ग्रह दशा सही थी, उसने सामान्य चिकित्सा भी कराई तो वह पूरी तरह से लाभप्रद हुआ और पूरी तरह से वह सही हो गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं या जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है ऐसा इसे मानता है कि ये एक तरह का अंधविश्वास है, लेकिन जो आचार्य सुश्रुत थे, आचार्य चरक ऋषि थे, उन्होंने विज्ञान के आधार पर ही इन सारी चीजों को बताया है और ये पूरी तरह से प्रूफ है, पूरी तरह से सिद्ध है। बताया गया है कि जो भी ग्रह होते हैं वो हमारे शरीर में उनका प्रवेश होता है और वो इतने सूक्ष्म होते हैं, उनके जो कण है इतने सूक्ष्म होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे दूषित पदार्थ हैं जिनके कण अति सूक्ष्म हो जाते हैं, प्रदूषित कण है जो शरीर में किसी ना किसी माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे शरीर की दशा और दिशा दोनों को खराब कर देते हैं। उन्हीं को आयुर्वेद में ग्रह के कण कहा गया, जिसको हम इस समय प्रदूषण कहते हैं। लेकिन आयुर्वेद में जो ग्रहों की चिकित्सा है, वो जो हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों की शांति करके आयुर्वेद के अनुसार उनकी सिद्धि की जाती है और पुष्टि किया जाता है कि वो जो ग्रह हैं, जो दुष्ट ग्रह हैं, जो शरीर में रोग उत्पत्ति कर रहे हैं, तो उनको शांत करने का प्रयत्न किया जाता है आयुर्वेद अनुसार। तब जाकर के अगर आपको कोई रोग हुआ है, जटिल रोग भी है, अगर ग्रह की जो शांति कर दी जाती है उसके बाद से अगर उपचार होता है तो पूरी तरह से आप ठीक हो जाते हो, आपके शरीर पे इसका जो दुष्प्रभाव था पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो ग्रह चिकित्सा में ऐसा दर्शाया गया है। अगर ग्रह चिकित्सा अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमें ग्रह चिकित्सा के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए, तो मैं इस पे आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आऊंगा और ग्रह चिकित्सा को मैं अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चिकित्सा के अभाव में मर जा रहे हैं या चिकित्सा के अभाव में सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा है और वो लगातार दवाइयां खा रहे हैं और उनके शरीर में जो रोग है वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो रहे हैं, उन्हें सही तरह से जीवन बिताने में दिक्कत हो रहा है, तो ये सारी जो समस्याएं होती हैं ग्रह के अशांत होने से भी होता है। तो ग्रह चिकित्सा पे मैं आप सभी को एक वीडियो लेकर के आऊंगा, उस पे सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश। शालाक्य कहते हैं जिसको, उधर वांगिया शालाक्य चिकित्सा कहते हैं, उधर वांग या शालाक्य चिकित्सा। तो उधर वांग या शालाक्य चिकित्सा किसे कहते हैं? उधर वांग का मतलब क्या? हमारे धड़ से ऊपर के जो अंग है, उधर्व से ही मतलब हो गया, हमारे धड़ से ऊपर के जो अंग है उनकी चिकित्सा जिस पद्धति के अनुसार बताई जाती है या जिस शास्त्र में बताया जाता है उसको उदरवांग शास्त्र या शालाक्य चिकित्सा बोला जाता है। तो शालाक्य चिकित्सा का मतलब हमारे धड़ से ऊपर के जो भी अंग है, चाहे वो दंत रोग हो गए, कर्ण रोग हो गए, चक्षु रोग हो गए, या गले का रोग हो गया, या हमारे शिराशूल जो रोग हो गए, सिर के जो रोग हो गए, तो ये सारे जो रोग हैं जिस पद्धति के अंतर्गत इनकी चिकित्सा की जाती है उसे शालाक्य चिकित्सा या उधरवांग चिकित्सा बोला जाता है। अगर आधुनिक चिकित्सा की बात करें तो हर चिकित्सा के लिए अलग अलग तरह के विशेषज्ञ हैं। जैसे अगर आपको दंत रोग हुआ है तो आप डेंटिस्ट के पास चले जाते हो, तो दंत रोग चिकित्सा का महारथी है, दांतों के बारे में ही बस जानता है, दांत के जो रोग है उसकी चिकित्सा वो करेगा। उसी तरह से अगर आपके
सिर में अगर समस्या है, मस्तिष्क में अगर समस्या है, तो उसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो यहां पे बताने का तात्पर्य है कि जो आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति है, इतनी विकसित हो जाने के बावजूद भी अलग अलग जो ऊर्ध्वांग जो रोग हैं उसके लिए अलग अलग चिकित्सक या अलग अलग विशेषज्ञ उपस्थित हैं, अलग अलग विशेषज्ञ उसकी चिकित्सा करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में ऊर्ध्वांग चिकित्सा करने के लिए एक ही चिकित्सक और एक ही जो वैद्य है महारथी माना जाता है, क्योंकि उसको उस चिकित्सा की पूरी जानकारी होती है। तो जो भी कर्णशूल है या कर्ण के जो रोग है, दंत रोग है, नासा रोग है, त्वचा नासा रोग है, शिरोशूल है, तो इन सभी रोगों को शांत करने की जो चिकित्सा है या उसको नष्ट करने की जो चिकित्सा है, उसी को हम ऊर्ध्वांग चिकित्सा या शालाक्य चिकित्सा कहते हैं। अगले चिकित्सा की बात करें, अष्टांगों में अगले अंग की बात करें आयुर्वेद की, तो उस अंग को हम शल्य चिकित्सा कहते हैं। उस अंग को हम पांचवें नंबर पे रखते हैं और कहते हैं उसको हम शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा, अगर शल्य चिकित्सा की बात करें तो शल्य चिकित्सा का मतलब सर्जरी से होता है, ऑपरेशन जिसको बोलते हैं। इसमें अलग अलग तरह के औजारों का प्रयोग करके उपचार किए जाते हैं। सबसे पहले जो पद्धति विकसित हुई हमारे पूरे विश्व भर में, जो पद्धति है वो आयुर्वेद की ही पद्धति है। और आयुर्वेद में सबसे पहले जो ऑपरेशन होते थे वो सुश्रुत और चरक ऋषि के द्वारा किया जा चुका है। और वो जो थियरी थी उस समय रोगों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन किए जाते थे, ऑपरेशन के द्वारा ही चिकित्सा होती थी। लेकिन आधुनिक जो चिकित्सा है, इन्होंने ऑपरेशन को या शल्य चिकित्सा में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। कारण बस इतना सा है क्योंकि इन्होंने एनेस्थीसिया का आविष्कार कर लिया, जो कि शरीर को पूरी तरह से सुन्न कर देता है और ऑपरेशन करते समय रोगी को दर्द का आभास नहीं होता है। इसलिए बड़ी बड़ी सर्जरी आसानी से कर दी जाती है। तो इसलिए मैं यहां पर बस यही कहूंगा कि जो आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति है, जो सर्जरी की है, वो आयुर्वेद से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। लेकिन हमें भी आवश्यकता है इस पद्धति को, जो कि हमारी पुरानी पद्धति है जिसको हम शल्य चिकित्सा या शल्य तंत्र बोलते हैं, उसको विकसित करने की। ऐसा नहीं है कि हम शल्य तंत्र में ऐसी चिकित्सा नहीं कर सकते हैं जिससे हम पूरे तरह से अंगों में जो बीमारियां हो रही हैं या विकार उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते या नष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा सुझाया नहीं गया। आयुर्वेद में शल्य की आवश्यकता तभी पड़ती है जब औषधि उस पर कारगर न हो और औषधि उस रोग को नष्ट न कर पाए। तो आयुर्वेद में ऐसा उल्लेख है और ऐसा बताया गया है कि कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसे आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। जब आयुर्वेदिक औषधियां उस रोग पे कार्य नहीं करती हैं, तभी जाकर के उसका शल्य चिकित्सा किया जाता है। जब तक आयुर्वेदिक औषधियां किसी भी रोग पे कारगर हैं, तो आयुर्वेद में शल्य तंत्र करने का प्रयोजन नहीं बताया गया, शल्य तंत्र नहीं किया जाता है, ऐसा आयुर्वेद में उल्लेखित है। नेक्स्ट जो है, अगला जो अष्टांग का जो अंग है आयुर्वेद चिकित्सा का, उसको हम बोलेंगे अगध तंत्र, द्रंष्टा या अगध तंत्र, द्रष्टा या अगध तंत्र बोला जाता है। तो अगर द्रष्टा और अगध तंत्र की बात करेंगे तो इसको हम सामान्य शब्द में बता दूं, अगध तंत्र का तात्पर्य है विष तंत्र। विष तंत्र मतलब अगर हमारे शरीर में किसी भी माध्यम से विष प्रवेश कर गया है और उस विष को निकालने का प्रयत्न जिस चिकित्सा पद्धति द्वारा किया जा रहा है, उसे ही हम द्रष्टा तंत्र या अगध तंत्र या द्रष्टा चिकित्सा बोलेंगे। जैसे अगर आधुनिक चिकित्सा की बात करें तो आधुनिक चिकित्सा में द्रष्टा को या द्रष्ट अगध तंत्र को केमिकल बोला गया है, रसायन बोला गया है। किसी माध्यम से अगर हमारे शरीर में रसायन प्रवेश कर जाता है या कोई जो है विषपान कर लेता है, तो बहुत सारे टॉक्सिक जो है शरीर में चले जाते हैं और शरीर की जो भी संरचना है या शरीर का जो कार्य है उसे बाधित कर देते हैं। कुछ समय उपरांत जो प्रभावित है, विष प्रभावित जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसकी मृत्यु हो जाती है।
तो आयुर्वेद में इसे अगध तंत्र बोला गया है। अगर अगध तंत्र में जो भी विष है, चाहे वो बिच्छू का विष हो या सांप के दंश के द्वारा शरीर में पहुंचाया गया जो विष हो, उसको शरीर से बाहर निकालने की जो चिकित्सा पद्धति है उसको अगध तंत्र या दंष्टा तंत्र में पढ़ा जाता है, उसकी चिकित्सा उसमें की जाती है। लेकिन आधुनिक जो चिकित्सा शास्त्र है उसमें इसे टॉक्सिक केमिकल बोला जाता है, और टॉक्सिक केमिकल को जैसे भी शरीर से बाहर निकाला जाए, चाहे तो नासा नली लगा करके, नाक में नली लगा करके उस जो भी विष है उसको बाहर निकाला जाए, या वोमिटिंग करा के, उल्टी करा करके शरीर से बाहर निकाला जाए, या रसायनों या दवाइयों का प्रयोग करके शरीर की जो जो विष है उनका शोधन किया जाता है, तो यह आधुनिक प्रक्रिया है। लेकिन आयुर्वेद में जो दंष्टा तंत्र है या जिसको अगध तंत्र बोला गया, जो विष उत्पन्न हो रहे हैं उनकी चिकित्सा को करने का जो भी प्रक्रिया, करने की जो प्रक्रिया है उसको बताया गया, उसी को हम अगध तंत्र या दंष्टा तंत्र बोलते हैं। इसी के क्रम में अब अगली जो चिकित्सा है उसको देख लेते हैं। अगली चिकित्सा है क्या, नेक्स्ट चिकित्सा को हम क्या बोलेंगे? तो अगले चिकित्सा की अगर बात करेंगे तो उसे हम जरा चिकित्सा बोलते हैं। क्या क्या जो अंग है वो है सातवां, जिसको हम जरा चिकित्सा बोलते हैं। जरा चिकित्सा को हम सामान्य शब्दों में रसायन चिकित्सा भी बोल सकते हैं। जब जरा की बात करेंगे तो जरा से मतलब तात्पर्य यह है वृद्धावस्था। जब मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है तो अनेक तरह के रोग हो जाते हैं। आयुर्वेद में दर्शाया गया है जैसे ही मनुष्य वृद्ध होता है तो उसके शरीर में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे वह कार्य करते करते थक जाता है, दांत कमजोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हड्डियों में दर्द होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, शरीर की जो काया है पूरी तरह से सिकुड़ने लगती है, इसके अलावा याददाश्त कमजोर हो जाती है, तो बहुत सारी समस्याएं शरीर में उत्पन्न होने लगती है। तो अष्टांगों के इस श्रेणी में ये बताया जाता है कि जो भी जरा है, जो भी वृद्ध है, उनकी शरीर की जो संरचना है, अब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी पद्धति विकसित कर दी गई हो जिससे जो वृद्ध है उनकी चिकित्सा करके उन्हें युवा जैसा बना दिया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन इस पद्धति में ऐसा प्रयोजन किया जाता है कि जो भी वृद्ध है, जो जरा है, उनके शरीर की शुद्धि करके, उनके शरीर को रोग मुक्त करके युवा के समान रोग मुक्त बना दिया जाए, जिससे उन्हें शरीर में जो तकलीफ है, जो दर्द है, वो न सहना पड़े और वो सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। तो जरा चिकित्सा, जिसको रसायन चिकित्सा बोला गया है या रसायन तंत्र बोलते हैं, तो जो आधुनिक चिकित्सा है उसमें रसायन तंत्र का मतलब तात्पर्य बस यही है कि एलोपैथिक दवाइयों द्वारा जो शरीर में जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं उनकी चिकित्सा की जाती है, और वो भी चिकित्सा ऐसी होती है कि अगर आप दवाई खा रहे हो तो आपको मरते दम तक दवाइयां खानी ही है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा कहीं प्रयोजन नहीं है, ऐसी कहीं बात बताई नहीं गई है कि आपको लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी। उसका बस एक ही प्रयोजन है, एक ही सिद्धांत है कि दवा द्वारा उस रोग को जड़ से खत्म कर दिया जाता है। मैं उदाहरण भी आपको दे देता हूं, अगर वृद्ध हो गए हैं, जो भी वृद्ध हैं उन्हें डायबिटीज हो जाता है, शुगर है तो वह हमेशा रहेगा, थायराइड हो जाता है तो वह हमेशा रहेगा, अगर याददाश्त कमजोर हो रही है तो बनी रहेगी, अगर वो कमजोर हो रहे हैं शरीर से तो होते रहेंगे, अगर हड्डियों में दर्द है तो होता रहेगा। लेकिन अगर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अष्टांगों की बात करें, जरा चिकित्सा की बात करें, तो उसमें ऐसा कहीं नहीं बताया गया है। आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करके पूरे शरीर की जो भी समस्या उसको सुलझाया जा सकता है। तो कोशिश ये करनी है कि हमें आयुर्वेद से जुड़ना है और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को करके आजमाना है, जिससे हमें पता चले कि नहीं, काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शालाक्य चिकित्सा, बाल चिकित्सा या जो भी ग्रह चिकित्सा है, ये कारगर है कि नहीं है। तो जब तक हम इससे नहीं जुड़ेंगे तो हमें इसके बारे में नहीं पता चलेगा। तो जरा चिकित्सा, जिसको हम रसायन चिकित्सा भी बोले हैं, रसायन चिकित्सा, रसायन इसलिए कि औषधियों का प्रयोग करके कोशिश ये की जाती है कि जो लोग भी वृद्ध हैं उनकी चिकित्सा की जा सके, इसलिए इसको जरा चिकित्सा या रसायन चिकित्सा बोलते हैं। जो अष्टांगों का अंतिम जो अंग है, आठवां जो है, उसको हम कहते हैं वाजीकरण चिकित्सा। वाजीकरण चिकित्सा, वाजीकरण चिकित्सा,
अगर वाजीकरण की बात करें तो वाजीकरण चिकित्सा आयुर्वेद की चिकित्सा बस पुरुष और स्त्रियों के लिए है जो कि पूरी तरह से युवा हैं और अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए हैं, उनके शरीर में कोई दोष है, बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं या शारीरिक दोष है, शारीरिक कमजोरी है, तो आयुर्वेद में वाजीकरण तंत्र या वाजीकरण चिकित्सा द्वारा उस कमजोरी को दूर किया जाता है और उन्हें बलप्रद किया जाता है, तो उस चिकित्सा को हम वाजीकरण चिकित्सा बोलते हैं। वाजीकरण, अगर वाजी की बात करेंगे तो संस्कृत में वाजी को, वाजी का मतलब होता है अश्व, मतलब घोड़ा। आयुर्वेद में अश्व को बल का प्रतीक बताया गया है। अगर वाजीकरण या वाजी तंत्र द्वारा चिकित्सा की जाती है तो उससे बस यही तात्पर्य है कि जो भी पुरुष है उसको घोड़े के समान बल प्रदान किया जाता है, जिससे जो भी उसके वीर्य है, अगर उसका शुक्र है, वीर्य है, तो उसको हष्ट पुष्ट करने की कोशिश की जाती है, जिससे, क्योंकि सभी को पता है कि अगर कुछ ml तक ही वीर्य है तो उसमें करोड़ों है जो शुक्र है वो पाए जाते हैं, करोड़ों शुक्र होते हैं जो बच्चे बनाते हैं, अगर उनकी संख्या कम होती है तो कोई भी पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर सकता है या उसके स्पर्म में ये ताकत नहीं होती है कि वो बच्चा पैदा कर सके। तो कोशिश ये की जाती है वाजीकरण तंत्र द्वारा कि उसके जो स्पर्म है उसको हष्ट पुष्ट बनाया जाए और संभोग करने की जो समस्या या संभोग करने की जो इच्छा है उसको विकसित की जाए, जो शारीरिक दोष है उसको दूर करने की भी चेष्टा, जो अष्टांग है आयुर्वेद के जो अष्टांग है उसमें वाजीकरण के द्वारा किया जाता है। तो वाजीकरण में आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करके शुक्र को बढ़ाया जाता है, स्पर्म को बढ़ाया जाता है और स्त्रियों के जो भी शारीरिक दोष हैं उनको दूर किया जाता है, बल प्रदान किया जाता है, शरीर को हष्टपुष्ट बना करके स्पर्म को जो शुक्र है उसको बलप्रद बनाया जाता है, जिससे वो संभोग के उपरांत स्त्री के गर्भाशय में जा करके उसके अंडकोष से, उसके जो अंडे हैं उससे जुड़ करके बच्चे को बनाने की क्षमता प्रदान हो सके, उनको मिल सके। तो वाजीकरण में सारी जो समस्याएं, सेक्स संबंधी जो भी समस्या है उसका निपटारा किया जाता है। तो आयुर्वेद के अष्टांगों का जो भी उल्लेख था, आयुर्वेद अनुसार जो उल्लेख था, मैंने आप सभी को बता दिया। तो जो भी परिचय आपको दिया गया है पूरी तरह से विस्तृत परिचय था अष्टांगों का, आप सभी को जानना बहुत जरूरी था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को अष्टांगों को अच्छी तरह से परिचय करा चुका हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अगर कुछ पूछना है अष्टांगों से संबंधित, कुछ भी अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन रहती है तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके समस्या का निपटारा अवश्य होगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं आपसे निवेदन है कि आप हमसे जुड़िए और आयुर्वेद, एलोपैथी या मेडिकल के जो भी स्टूडेंट हैं या विज्ञान से संबंधित जो स्टूडेंट है, विज्ञान में रुचि रखते हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से अलग अलग तरह के जो आप ज्ञान चाहते हो या अपना टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पे बताया जाए, तो आप हमसे जुड़िए, आपके समस्या का जो भी समाधान है हमारे द्वारा किया जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।